एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में जेई वॉन साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। तभी साइकेट्रिस्ट बोलती है, तुम जिस ट्रोमा को इतने दिन से सप्रेस कर रहे थे वो दोबारा से उभर गया है और तुम उस एक्सीडेंट की गिल्टी की वजह से खुद को टॉर्चर कर रहे हो क्या? तुम अभी अपने उस दोस्त से बात करते हो? जेई वॉन बोलता है, नहीं, मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। साइकेट्रिस्ट बोलती है, तुम सच में बहुत सेल्फिश हो। जेई वॉन बोलता है, मैं कैसे सेल्फिश हुआ? साइकेट्रिस्ट बोलती है, क्योंकि तुम अपने उस दोस्त के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे हो जो ऑलमोस्ट मरने वाला था। तुम खुद के ट्रोमा पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और दूसरों को अवॉइड कर रहे हो। जेई वॉन बोलता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करके अपने दोस्त को बचा रहा हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है, पर अगर मैं उसे खुद के इंटरेस्ट की वजह से दोबारा मिलने लगूंगा शायद वो सब दोबारा हो जाएगा जो मेरे सेल्फनेस की वजह से उस समय हुआ। साइकेट्रिस्ट बोलती है, शायद इसका उल्टा हो सकता है, तुम्हारी वजह से शायद उसकी लाइफ और बेहतर बन सकती है। जेई वॉन बोलता है, पर अगर मैं उसे दोबारा अप्रोच करूंगा तो शायद वो हर्ट या कंफ्यूज हो जाएगा। ये सुनकर साइकेट्रिस्ट बोलती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम ये सोचना भी नहीं चाहते हो कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। तुमने खुद ही ये फैसला कर लिया कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं चाहता है, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम उसके बारे में भी सोचो। जेई वॉन बोलता है, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा उससे दूर रहना ही उसके लिए बेस्ट होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जियोन और जुनपियो साथ में चल रहे होते हैं। तभी जुनपियो बोलता है, जेई वॉन ने क्या बोला? जियोन बोलता है, वो ये सब खत्म करना चाहता है। जुनपियो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो सीरियस था? जियोन बोलता, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस था, क्योंकि मैंने उसके आंखों में कुछ और देखा था। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ एरी आती है और जियोन से पूछती है, तुम्हारे और जेई वॉन के बीच सब ठीक हुआ कि नहीं? जियोन बोलता, नहीं, सब कुछ पहले की जैसा है। एरी बोलती है, वैसे जियोन, क्या तुमने इस बात को गहराई से सोचा कि वो तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहा है? जियोन बोलता, नहीं, मैंने गहराई में जाकर नहीं सोचा इसके बारे में। एरी बोलती, शायद जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार वो खुद को समझता है, या फिर शायद वो इस बात का ख्याल रख रहा है कि तुम्हारे साथ जो हुआ था वो दोबारा ना हो और इसलिए वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है। जनरली जब दो लोग ऐसे एक्सीडेंट से सफर करते हैं तो वो लोग एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को सहारा देते हैं, पर जेई वॉन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ा टाइम लो और इस बात के बारे में डीपली सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और ये सुनने के बाद जियोन बोलता है, अब मुझे याद आया, जेई वॉन का पास्ट बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि उसने किसी ऐसे को खोया था जिसे वो बहुत प्यार करता था और शायद यही कारण कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट की वजह से जब जब वो मुझे देखता होगा उसे वही सारी बातें याद आती होगी। ये सब सुनने के बाद जियोन बोलता है, अगर मैं जेई वॉन होता तो ये सब होने के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अवॉइड करता। ये सुनकर एरी बोलती है, अगर ऐसा होगा तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी उसे खुद को संभालने में, पर इन सबसे पहले तुम्हें यूनजी का कुछ करना होगा जो सिचुएशन का फायदा उठाने के पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर जुनपियो बोलता है, वैसे देखा जाए तो यूनजी और जेई वॉन इस समय कैंपस के सबसे हॉट कपल हैं। एरी बोलती, बिल्कुल भी नहीं, यूनजी जेई वॉन के लिए अच्छी मैच नहीं है। जुनपियो बोलता है, उन दोनों ने साथ में सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की है। जियोन बोलता है, मुझे दिखाओ, और फोटो देखने के बाद जियोन सैड सा चेहरा बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यून वॉन अपने मॉम से फोन पर बात कर रही होती है और वो बहुत ही सैड होती है, तो वो अपने मॉम से बोलती है, मॉम, आप चिंता मत करो, मैं किसी और जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। क्या हुआ, एक कंपनी में जॉब नहीं लगी, मैं और बाकी कंपनीज में ट्राई करूंगी। ये बोलकर वो फोन काट देती है। तभी वहाँ जियोन आता है, जिसे देखकर यून वॉन बोलती है, तुमने जो जेई वॉन के लिए किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जियोन बोलता है, कोई बात नहीं। यून वॉन बोलती है, वैसे अब तुम सर्फिंग क्लब का क्या करने वाले हो? जियोन बोलता है, पर मैंने सुना था कि सर्फिंग क्लब डिसबैंड हो गया है। यून वॉन बोलती, हम उसे दोबारा से अप्रूव करवा सकते हैं, क्या तुम आज शाम 5 बजे क्लब रूम आ सकते हो, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां क्लब रूम में जेई वॉन बैठा होता है। तभी वहां जियोन भी आकर उसके बगल में बैठ जाता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। और थोड़ी देर बीतने के बाद यून वॉन वहां आती है और बोलती है, जैसा कि मैंने तुम दोनों को पहले ही बता दिया है कि हमारा क्लब दोबारा से अप्रूव हो सकता है, पर उसके लिए हमें तुम्हारी ट्रिप के बारे में रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। तो चलो मुझे बताओ कि क्या वो डे ट्रिप थी या फिर तुम लोग वहाँ पूरे दिन रुके थे। उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता है। ये देखकर यून वॉन बोलती है, तुम लोग चुप क्यों हो? जियोन बोलता है, वो एक डे ट्रिप थी। ये सुनकर यून वॉन जेई वॉन से बोलती है, जियोन एक बिगनर है, तुम उसे ऐसे वेवी डे में डीप सी में सर्फिंग करवाने क्यों ले गए, जबकि ऐसा करना बहुत खतरनाक था। स्कूल इस बात को जरूर पॉइंट आउट करेगा, वो कंडीशन सर्फिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट थी और जियोन को ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। ये सुनकर जियोन बोलता है, क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो भी हुआ उसके लिए जेई वॉन जिम्मेदार नहीं था, वो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें पूरी गलती मेरी थी। यून वॉन बोलती है, मैं ऐसा नहीं लिख सकती हूँ, हमें पूरी बात जानना जरूरी है, इसलिए मुझे हॉनेस्टली बताओ उस ट्रिप पर हुआ क्या था। ये सुनकर जेई वॉन वर्ल्ड सा फेस बना लेता है और उसके चेहरे को देखकर जियोन बोलता है, मुझे अपने फिजिकल थेरेपी के लिए जाना है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक सर्फिंग नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी अगर मैं क्लब का मेंबर रहा तो ये आप लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज होगा क्लब को दोबारा अप्रूव्ड करवाने में, इसलिए आप रिपोर्ट में सीधा सीधा ये लिख दो कि उस ट्रिप पर जो भी हुआ था वो मेरी गलती की वजह से हुआ था। यून वॉन कुछ बोलते उससे पहले ही जियोन बोलता है, मुझे काम
करने जाना है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद यूनवॉन रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, मेरे साथ चल क्या रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या फायदा इतनी मेहनत करके जिंदगी जीने का जब मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से अपने स्टूडेंट लोन ही ना पे कर पाऊँ, सभी कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और उसको रोता हुआ देखकर जीवन दिलासा देते हुए बोलता है, क्या तुम डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही हो, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर वो यूनवॉन को गले लगा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन और युनजी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तभी युनजी बाहर देखती है तो रोड पर जीवन खड़ा होता है, इसलिए वो जीवन को जलाने के लिए जीवन से बोलती है, चलो बाहर चल के थोड़ी ताजा हवा खाते हैं। ये सुनकर जीवन युनजी के साथ बाहर चला जाता है, और बाहर जाते ही युनजी जीवन को जलाने के लिए जीवन को किस करने लगती है, पर जीवन को ये रियलाइज होता है कि जीवन वहाँ खड़ा होके उन्हें देख रहा है, तो वो युनजी को किस करने से रोक देता है और बोलता है चलो वापस अंदर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन एक शॉप पर जाता है और डिजिटल कैमरा खरीदता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन यूनिवर्सिटी से घर जा रहा होता है, जीवन उसे अपने पास बुलाता है। ये सुनकर जीवन उसके पास चला जाता है और जीवन उसे एक पैकेट पकड़ाता है और बोलता है, पास्ट पास्ट है, तुम उसे नहीं बुला सकते हो, ना ही मिटा सकते हो, पर कुछ नया शुरू करना तो बुरा आइडिया नहीं है ना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जीवन इस पैकेट को खोलता है तो उसमें एक डिजिटल कैमरा और एक एम्बलम होता है, और जब जीवन उस एम्बलम को खोलता है तो उसमें जीवन की कैमरा के साथ एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग होती है और उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे सपने को सपोर्ट करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में युनजी और जीवन साथ में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद युनजी बोलती है, चलो किसी होटल में जाकर कुछ खाते हैं। जीवन बोलता है, युनजी चलो अब सब यहीं खत्म करते हैं। युनजी बोलती है, तुम असाइनमेंट की बात कर रहे हो, वो तो हमने पहले ही खत्म कर लिया। जीवन बोलता है, मैं हमारी बात कर रहा हूँ। युनजी बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। जीवन बोलता है, तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया। युनजी बोलती है, तुम मिनक्यू की बात कर रहे हो, तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिनक्यू मेरे बारे में सिर्फ रूमर फैला रहा था और वो तो मुझे स्टॉक भी करता था। जेयुन बोलता, जब मैं आर्मी में था तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए एक दिन छुट्टी लेकर यहाँ आया था, तो मैंने देखा कि तुम मिनक्यू के साथ मोटल में जा रही हो, मैंने सोचा तुमने अकेलापन के चलते ऐसा किया होगा, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया कि तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओगे, पर तुम दोनों पूरी रात उस मोटल से बाहर ही नहीं आए, और सुबह मैंने तुम दोनों को फॉलो किया तो मैंने तुम दोनों को डेट करते हुए देखा, पर जब ऐसा हुआ तो मैं खुद को गिल्टी मान रहा था, क्योंकि वो मैं था जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और आर्मी में चला गया, और इसी वजह से मैं तुमसे उस समय ब्रेकअप नहीं कर पाया। ये सब बोलने के बाद जीवन बोलता है, अब तुम्हें समझ आ गया ना मैं क्यों तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये बोलकर जीवन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन जीवन के रेस्टोरेंट में जाता है तो ओनर बोलती है, तुम इतनी रात गए यहाँ अकेले क्यों आए हो। जीवन बोलता है, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। और उसके चेहरे को देखकर ओनर बोलती है, मैंने यहाँ रेस्टोरेंट स्टूडेंट की स्टोरी सुनने के लिए तो खोली है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इसके बाद जीवन खाना खाने लगता है, तभी ओनर उससे पूछती है, तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है क्या। जीवन बोलता है, मेरी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है। ओनर बोलती है, तो उसे ऑर्गेनाइज करो। जीवन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करूं। ओनर बोलती है, क्या पैसे की कोई बात है क्या। जीवन बोलता है, नहीं। ओनर बोलती है, तो क्या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या। जीवन बोलता है, नहीं मेरी हेल्थ सही है, अगर बात पैसे और हेल्थ की होती तो मैं इतना चिंता नहीं करता। ओनर बोलती है, देखो जब तुम टीनेज होते हो तो तुम्हें तुम्हारी टीनेज टाइम की प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, और जब तुम 20s में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी 20s की प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी, और उसी तरह जब तुम 30s और 40s में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी इस टाइम की प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगेगी, और इस तरह तुम अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रेस और चिंता में बिता दोगे, इसलिए तुम खुद को संभालो, नहीं तो तुम चिंता करके बीमार हो जाओगे। जीवन बोलता है, मैं ऑलरेडी डिप्रेशन से सफर कर रहा हूँ। ओनर बोलती है, जिंदगी एक ही है, उसे खुलकर जीना चाहिए, इसलिए जो मन में आए वो करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन हान रिवर के पास अकेले बैठकर अपनी और जीवन के बीच हुई पुरानी बातों को सोच रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन जीवन को एक सॉन्ग भेजता है और सॉन्ग को सुनकर जीवन मुस्कुराने लगता है, और उस गाने को सुनते सुनते जीवन जीवन के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, तो वहाँ जीवन खड़ा होता है और जीवन उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बहुत ही स्ट्रीमी और हॉट किस करता है, और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।